भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है, फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो तीन घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों का आज के इस वीडियो में स्वागत है। बहनों, आंगनबाड़ी प्री प्राइमरी ट्रेनिंग को लेकर के जो हम एक प्रोग्राम चला रहे हैं, जिसमें पिछले कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो दिया था, उसमें काफी चीजें हम सब ने डिस्कस कर ली थी। आज हम बात करने वाले हैं ठोस वस्तुओं से आप जो इन चीजों को छाटेंगी कैसे। तो देखो यहां पर ये छाटने के लिए इस तरह से, इस पर भी पिछले वीडियो में बात हो चुका था, एक कटोरी में दो अलग अलग वस्तुओं को आपने जो है मिला दिया था। उसके बाद जैसे राजमा हो गया, चना दाल हो गई, ऐसे बहुत सारी चीजें, फूल हो गया, अब उन चीजों को क्या किया बच्चों ने, फिर अलग अलग करके कर दिया। तो इस तरह से छाटने के लिए आपने पिछले वीडियो में सीख लिया। आज हम बात करेंगे छाटना, वो भी चित्रों से। तो पहला चरण उसका क्या है, जैसे कि बच्चे के सामने दो अलग अलग थीम के चित्र आप लोगों को मिला करके रख देने हैं, ठीक, जैसे कि पशु और पक्षी दोनों के मिक्स करके रख देने हैं। फिर बच्चों को पशु और पक्षियों के चित्र अलग जो है करने के लिए कहना है। जैसे यहां पर देख रहे हैं गाय है, बैल है, मुर्गी है, केला है, और यहां पर आम है, बहुत चीजें मिक्स कर दी गई। अब बच्चों से आप कहोगे बच्चा इसमें पक्षी वाली कौन चीजें हैं, जानवर कौन से हैं, पशु यानी कौन से हैं, फल कहां है, उनको अलग अलग करो, तो बच्चा छांट करके सब अलग अलग कर देगा। ऐसे ये पहला चरण हो गया। और ऐसे ही छांटना जो चित्रों से होता है, उसका दूसरा चरण में क्या है, तो बच्चों के सामने सभी चित्र मिला करके रखने हैं, जैसे कि पालतू पशु और जंगली पशु। तो उनको पता चलेगा पालतू पशु कौन होते हैं, जंगली पशु कौन होते हैं, फिर उनको अलग करने के लिए कहना है। जैसे कि एक देखो मुर्गी हो गई और ये गाय हो गई, ऐसे यहां पर एक ये बंदर हो गया, और ऐसे एक ये चीता जैसा दिख रहा है, तो ये हो गया। अब बच्चे अपना इसमें छांट करके अलग करेंगे कौन से पालतू हैं और कौन से जंगली हैं। ऐसे जो है बच्चों का मानसिक स्तर पर जो है विकास होगा चीजों को समझने में। अब देखो क्या गायब है ठोस वस्तुओं से, तो उनमें कैसे आपको करना है। तो यहां पर इन्होंने क्या किया, आपको क्या करना है, ऐसे सारी चीजें रख लेनी है जो है डबल डबल, जैसे पांच चीजें आपने रखी, ठीक, दो बहुत ज्यादा मत रखना, बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, तीन चार पांच चीजें आपने रख ली। अब उसमें बच्चों को दिखा दो, बच्चों देखो, सब लोग आंखें जो है अपने आंखें खोल करके अच्छे से देखो कि इसमें क्या क्या रखा हुआ है, और हम फिर उनको कहो अब आंखें बंद करो, फिर बच्चा आंखें बंद कर लेगा, फिर आप चुपके से एक चीज उसमें की उठा लेना और छिपा लेना अपने पास, ठीक, वो बच्चे ना देख पाए। फिर पूछना बच्चों इसमें से कौन सी चीज गायब हो गई, तो बच्चा अपना दिमाग दौड़ाएगा क्या क्या चीजें इसमें थी और कौन सी चीज गायब हो गई, तो जो चीज गायब आप कर देंगी छिपाएंगी वो वाली बच्चा अपना बताएगा। ऐसे करके एक ये गतिविधि आप कराएंगी, क्या गायब है चित्रों के माध्यम से, उसका पहला स्तर क्या है वो देखो। तो इसमें क्या है कि बच्चे के सामने मान लीजिए आपने ये सब रख दिए फल वगैरह, ठीक, इतने सब यहां पर, अगर फ्लैश कार्ड है तो फ्लैश कार्ड रख दो, अगर नहीं है तो आप बना लो कहीं से, जो उनको रंग लो अपने आप से, तो फिर उनको चित्र दिखा दो इसी तरीके से। तो उन्होंने जैसे सेब है, केला है, आम है, और यहां पर अंगूर हो गया, संतरा जैसा है वो हो गया। अब इतना सब उन्होंने जो क्या किया यहां पर रख दिया बच्चे के सामने सिंगल पोस्ट में और ये वाली में, ठीक, अब बच्चों को दिखा दिया, बच्चे ने देखा समझ लिया हाँ ये चीजें हैं। अब आंखें बंद करेगा बच्चा, आप कहेंगी जब, तो फिर आप एक चीज उसमें से गायब कर देंगी अपने पास छिपा लेंगी, फिर बच्चा बताएगा क्या चीज जो है मैम आपने छिपाई है, यानी कौन सी चीज इसमें से आपने गायब कर दी। ऐसे आवाज निकालना वाला ये भी जो है बच्चों को आप करवा सकते, तो पशु पक्षी और वाहन इनकी आवाज बच्चे निकालना सीखेंगे। तो वो चित्रों के माध्यम से कैसे सब करनी है देखो। यहां पर जैसे कि आंगनबाड़ी बहन क्या कर रही है, बच्चों को बैठाए अपने पास हैं, अब उन्होंने फ्लैश कार्ड अपने पास रखे हैं जो मिले होंगे, नहीं है तो आपने चित्र बनाए होंगे, उनसे बच्चों को सिखा सकती हैं कि बच्चा ये क्या है, बच्चा कहेगा ये जो है पिल्ला है या जो भी पप्पी है, या मान लो कुत्ता ही आपने दिखा दिया या बकरी दिखा दी उदाहरण स्वरूप, तो बच्चा बकरी की आवाज में आवाज निकालेगा। तो बच्चे को जो कार्ड आप दिखाएंगे उसकी आवाज जो है बच्चा निकालेगा, बच्चे से कहेंगे बच्चा ये कैसे बोलता है, तो वो वैसे बोल करके दिखाएगा। फिर संख्या पूर्व की अवधारणा होती है, छोटा बड़ा मोटा पतला कम ज्यादा दूर पास, इनमें पहचान करना बच्चों को सिखाना इस तरह की गतिविधि। जैसे कि ये वाला देखो आप, ग्लास जैसे आपने रख ली, तो एक छोटा एक बड़ा दो आपने रखी है, तो इसमें कोई भी चीजें आप ले लो, जरूरी नहीं ग्लास ही हो, दो चीजें ले लो सेम चीज वाली, एक छोटी साइज में बनी हो एक बड़ी साइज में वही चीज हो, तो बच्चा बताएगा कौन सा इसमें छोटा है कौन सा बड़ा है। और उसके बाद फिर देखो छोटा बड़ा चित्रों के माध्यम से, जैसे मान लीजिए आपने कार्ड से एक नाव वगैरह बना ली, एक कार्ड बड़ी बन गई है, एक कार्ड आपने छोटी बनाई है, सेम टू सेम नाव, कलर वगैरह सब सेम देखो यहां पर बना हुआ है। अब बच्चा
बताएगा कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है, ऐसे छोटा बड़ा वो सीख जाएगा। फिर उसके यानी छोटी और बड़ी चीजों को पहचानना, मोटा पतला उसमें भी देखो आपको क्या करना है, तो मोटे पतले में भी जो है चित्रों के माध्यम से कैसे सीखना। जैसे मान लो आपने एक ही कार्ड पर एक बड़ी बिल्ली बना दी इसमें देखो और एक जो छोटी बना दी, ऐसे एक केला, एक बड़ा केला बना एक छोटा बना है, ऐसे एक बड़ा पेड़ बना हुआ एक ही कार्ड पर और एक छोटा पेड़ उसी जो तरह का बना हुआ है। अब बच्चा इसमें बताएगा कि ये देखो छोटा पेड़ है, ये वाला बड़ा पेड़ है, ये वाला छोटा केला, ये वाला बड़ा केला है, ये छोटी बिल्ली है, वो बड़ी बिल्ली है। इस तरीके से वो छोटा बड़ा चित्रों के माध्यम से जो है पहचानना सीख जाएगा। और देखो कम ज्यादा वाली चीजों को बच्चा कैसे पहचानेगा, जैसे कि कम ज्यादा चित्रों के माध्यम से ये यहां पर दिया है, तो कम ज्यादा में ये क्या दिखा रहे हैं कि यहां पर जैसे सेब बना लिए एक जो है फ्लैश कार्ड पर, कि किसी में जो है यहां पर देखो एक पहले वाले में दो चार छह सेब दिख रहे हैं और दूसरे वाले में चार, इस बार आम में एक में चार एक में दो है, तो यहां पर बच्चा पहचानेगा किसमें ज्यादा है किसमें कम है, तो ऐसे वो पहचान लेगा। और तो और संख्या भी गिनना धीरे धीरे जब सीखेगा तो संख्या भी बताएगा। हल्का भारी ये भी वस्तुओं से सीखा जाता है। अब इसमें कैसे, जैसे बच्चे के सामने आपने ये सब चीजें रख दी, जैसे इसमें क्या है, एक तो कागज रख दिया आपने, पन्ना एक हो गया, एक ताला हो गया, ताला तो काफी वजनदार होता है, कुछ फूल रख दिए वो तो बहुत हल्के होते हैं, ऐसे यहां पर ये कुछ और एक चीज धर रख दी गई है, कौड़ियां जैसी हैं जो खेलने के लिए काम आती हैं, और जो जो कड़ैल के जो पौधे से निकलती हैं वो वाली हैं, और देखो यहाँ पर कुछ पत्थर रख दिए छोटे बड़े सब साइज के। अब बच्चा बताएगा कौन सा इसमें हल्का है कौन सा जो है भारी है, और दूर पास की वस्तुओं के लिए क्या होता है उसके लिए क्या करना है, तो उसको चित्र से कैसे जो है समझेंगे। यहां पर देखो बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं, इन्होंने क्या किया कि एक एक तरह से दो आकृतियां बनाई, आप सब बहने भी ऐसे बना सकती हैं, एक कार्ड पर एक पेड़ बनाया पहले और पेड़ के पास में एक छोटी सी बच्ची बना दी, ठीक दूसरे कार्ड में क्या है एक बड़ा सा वही उसी साइज का पेड़ है, लेकिन जो बच्ची है जो पेड़ के पास थी इस वाले कार्ड में उस वाले में आप देखो उससे दूर कर दी है ऊपर की साइड में, तो बच्चा यहां पर बताएगा कि जो है वो कहां पर खड़ी है, कि जो पेड़ के पास में खड़ी है कि पेड़ से दूर खड़ी है। ऐसे स्थान और दिशा की अवधारणा जो अंदर बाहर ऊपर नीचे और आगे पीछे के तौर पर बच्चों को सीखना है, स्थान की अवधारणा को, जैसे जैसे कि यहां पर आप देखिएगा आंगनबाड़ी हमारी ये बहन है और ये क्या कर रहे हैं गतिविधि करा रही है, बच्चों को बैठाया और एक जो है यहाँ पर कागज का टुकड़ा को बड़ा सा रखा हुआ या ऐसे ही है फर्श पर, और इन्होंने इसके पास में रख दिया ज्योमेट्री बॉक्स पूरा है कि लंच बॉक्स है, तो लंच बॉक्स रखा उन्होंने। अब इन्होंने दिखा दिया कि ये जो है कहाँ पर है, ये पास में है, एक जो है उस सर्किल के बाहर कर दिया वो दूर हो गया, तो ऐसे करके पास और दूर ये तो आसानी से बच्चा सीख जाएगा। फिर देखो अंदर बाहर कैसे सीखना है, जैसे मान लीजिएगा आपने एक झोपड़ी बनाई, ठीक यहां पर एक झोपड़ी बनाई गई है जिनमें क्या हुआ कि ये छोटी सी बच्ची एक देखो खिड़की के अंदर झोपड़ी में पहले वाली जो है फोटो में झांक रही है, दूसरी में झोपड़ी के बाहर खड़ी हुई है। अब बच्चा बता देगा कि कौन में जो है वो घर के अंदर है और कौन से किसमें जो वो घर के बाहर है, तो घर के अंदर होना और घर के बाहर होना उसमें भी वो अंतर सीख जाएगा। आगे ले चलते हैं, अब ऊपर नीचे जो ठोस वस्तुओं से वो कैसे सीखना है, जैसे कि देखो दो पेड़ यहां पर दो फ्लैश कार्ड पर बनाए गए, जैसे कि पहले वाले में देखो एक डाल है और एक डाल पर कौवा बैठा है, तो वो पेड़ के ऊपर डाल पर कौवा बैठा है, दूसरे में क्या है कि एक पेड़ है और जो है जमीन पर कौवा बैठा है, तो बच्चा सीख जाएगा कि जो है कौवा जो है वो पेड़ पर किसमें बैठा है और जमीन पर किसमें बैठा है, तो यहां पर इसमें वो फर्क सीख जाएगा कि पक्षी जो पेड़ के ऊपर है और किसमें पेड़ के नीचे है। और देखो आगे और पीछे उसमें कैसे सीखना है, तो आगे और पीछे में जैसे कि यहां पर देख सकते हैं यहां पर बच्चे जो है बच्चों की ओर मुड़कर जो है बैठे और यहां पर खड़े हों, इस तरीके से बच्चे से यह बोलने के लिए कहें कि आपके आगे कौन सी वस्तुएं हैं और आपके पीछे कौन सी वस्तुएं हैं, तो इस तरीके से बच्चा अपना देखेगा तो ये चीजें जो है सीखेगा, तो ये भी चीजें आप करवा सकती हैं। आंगनबाड़ी कार्य ऐसे बच्चा घूमेगा पीछे का देखने के लिए तो पीछे देखेगा, तो क्रमबद्धता फिर आती है, क्रमबद्धता में क्या होता है कि पहला स्तर होता है छोटे से बड़ा, मोटे से पतला, लंबे से छोटा, और तीन माप तक ये चीजें होती हैं। जैसे जैसे यहां पर आपने देखा तीन यहां पर ग्लास रखी गई, एक छोटी एक उससे बड़ी और एक सबसे बड़ी, तो जैसा कि आपने देखा तीन माप के गिलास यहां पर आपके सामने हैं जिनमें से मैंने आपको बताया कि सबसे छोटा उससे बड़ा और एक सबसे बड़ा, तो इन चीजों को वो पहचानेगा कि कौन सा जो है यहां पर आपका जो है सबसे छोटा है और कौन सा उससे बड़ा है और कौन सा सबसे बड़ा है, तो ये चीजें बच्चा सीख जाएगा। दूसरा स्तर है कम से कम, जो कम से ज्यादा यानी जो कम चीजें हैं फिर उससे ज्यादा की ओर, तो वो तीन माप तक वो सीख जाएगा।
जाएगा। जैसे एक में उन्होंने तीन मोतियां रख ली हैं, जो भी हो आपके पास वो रख लो, कंचे हो कंचे रख लो, कंचे ज्यादातर ना यूज करो क्योंकि छोटे बच्चे हैं मुंह में डालेंगे और फिर दिक्कत होगी। अब दो, अब एक में पांच रख लिए और एक में बहुत सारे रख लिए, तो इस तरीके से वो सीख जाएंगे। एक कटोरी में पांच रखे, एक में जो यहाँ पर तीन है और एक में दस है, ऐसे करके वो सीख जाएंगे अलग अलग कि किसमें सबसे ज्यादा है और किसमें सबसे कम है। और देखो आवाज पहचानना वो कैसे सीखेंगे, तो जोर और हल्की आवाज, जैसे धीमे वाली आवाज और तेज वाली आवाज, वो कैसे, तो बच्चों के पास आपको क्या करना है कि दोनों डिब्बों के कान के पास ले जाकर के बच्चों को हिलाना है और पूछना है कि डिब्बे से जोर की आवाज आ रही है और किस डिब्बे से हल्की। तो इसमें करना क्या है, एक में जो है छोटे चने और बालू के जो है पत्थर वत्थर वो सब थोड़ा बहुत आप जिसमें भर सकते हैं, किसी में आवाज ज्यादा आएगी जो उसमें कंकड़ टाइप के वैसे रहेंगे और उस बाकी वाली चीजों में थोड़ा हल्का आवाज आएगा, तो उससे भी वो पहचान सकते हैं। अब देखो दो तीन समान आवाजों के जोड़े, तो यहाँ पर दो तीन समान आवाज जो है आवाजों के जोड़े इस तरह से, तो इसमें क्या है कि सभी जोड़ों को अवस्थित रूप में मिलाकर के बच्चे के सामने रखना है और बच्चे से कहें कि एक एक करके सभी डिब्बों को कान के पास ले जाकर हिलाना है और एक समान आवाज वाले डिब्बों को एक साथ रखना है। जैसे मान लीजिए आपने इसमें क्या किया इन्होंने कि एक में जो है यहां पर खूब महीन कुछ भरा हुआ है, एक में उससे बड़ा, एक में उससे बड़ा, तो जिस टाइप का चीज उसमें पड़ा होगा डिब्बे के अंदर वैसे ही ध्वनि आएगी। तो ऐसे जो डिब्बे आपको रखने, बच्चा कान के पास बजा करके देखेगा किसमें क्या है और कौन किसमें बराबर बराबर आवाज आ रही है समान तरह की, तो वो पहचान लेगा। स्वाद पहचानना भी सीखना है, इसमें क्या होता है नमकीन है मीठा है खट्टा है, ये स्वाद पहचानना सिखाना है। तो देखो इसके लिए क्या, नमक ठीक नमकीन उससे आप जो है पहचान लेंगी, मीठा तो मीठा चीनी आप उसका यूज कर लो, खट्टा है तो आप नींबू यूज कर लो। तो इस तरह से जो बच्चा उससे जो है परिचित हो जाए कौन सा है खट्टा है कौन सा मीठा है कौन सा जो है नमकीन है, तो ऐसे स्वाद भी उनको सिखाना है। मिलान हो गया नमकीन और मीठा, वो सब देखो मिलान करना, जैसे दोनों जोड़ों को अवस्थित करके मिलाना है, जैसे गिलास के पानी को चखें और एक समान स्वाद वाले गिलास को एक साथ रखें, तो यहां पर जो है बच्चा थोड़ा थोड़ा चखेगा और एक तरह की चीजों को करने का वही प्रयास करेगा। तो यहां पर क्या है कि समरूप गिलास में नमक और चीनी घुले हुए पानी के दो जोड़े आपको बना लेने और एक चम्मच रख लेना है, तो उसी में बच्चा चेक करेगा और उसी में अपना मिलान करता जाएगा कि किसमें क्या है। और देखो ऐसे यहां पर एक गंध पहचानने वाला दिया गया कि गंध पहचानना, तो दो तीन गंध की पहचान करनी है, तो इसमें क्या है कि बच्चों को आंख बंद करके कहें कि उसकी नाक के पास एक एक करके कटोरी ले जाएं, बच्चे को सूंघकर कटोरी के आने वाले गंध के बारे में बताने के लिए कहें। तो यहां पर देखो ऐसा मत करना कि जो है कुछ बढ़िया ऐसा गंध के चक्कर में आप समझ जाओ कि गंध वाली चीजें उसको जो है देनी है। गंध का मतलब कोई दुर्गंध नहीं होता है, गंध तो अपने आप में गंध होती है, मतलब जो एक महक होती है बस कह दो गंध को, लेकिन वो अच्छी और बुरी नहीं होती है। गंध गंध होती है, सुगंध और दुर्गंध दो तरह से फिर आगे अलग हो जाती है। जैसे सुगंध जो हमको अच्छी लगती है तो वो सुगंध में हो जाती है, जो दुर्गंध में होती है जो जिसमें बदबू जिसको हम लोग बोलते आ रही है तो वो एक आपका अलग हो जाता है। लेकिन जो गंध शब्द यूज होता है वो केवल और केवल जो आपके इसके लिए यूज होता है, पूरे दोनों वर्डों के लिए सेम तरह से, तो वो ना दुर्गंध होती है ना सुगंध होती है, गंध गंध होती है। तो यहां पर आपको अच्छी और खराब जो भी तरह की गंध है आप उनको यूज कर सकते हैं, फिलहाल के लिए ऐसी मत यूज करना कि बच्चा बेहोश हो जाए। इधर मिलान में क्या है कि दो तीन गंध, इसमें क्या करना, जैसे कि यहां पर उन्होंने रख लिया बच्चे की आंख बंद करके और इसमें इन्होंने क्या रखा कि यहां पर गंध के समरूप कटोरियां यहां पर रख लेनी है जैसे, और बच्चा उसमें पहचानेगा, एक में गुलाब का फूल रख लिया, एक में लौंग रख ली और एक में जो यहां पर शायद प्याज जैसा रखा हुआ है, और ऐसे जो चीजें यहां पर उन्होंने रख ली है, तो और भी जो आपको अच्छा लगे वो आप यूज कर सकती हैं। तो इस तरीके से ये वाला पूरा रहा सेशन। अगला जो हम वीडियो लाएंगे इसके लिए वो 5 से 6 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के लिए रहेगा। अभी जो आप लोगों के लिए आप लोगों ने देखा वो 3 से जो है शायद 5 वालों के लिए था, अब जो है 6B जो आप देखेंगे वो अगले बच्चों के लिए होगा। अब उनकी स्थितियां और गतिविधियां अलग होंगी क्योंकि छोटे बच्चों की उनके अकॉर्डिंग होगी, उनकी मांसपेशियों के अकॉर्डिंग और उनकी क्षमता के अकॉर्डिंग। अब जो होंगी वो बड़े बच्चों की होंगी 5 से 6 वालों की, जो कक्षा 1 के लिए आपको तैयार करने, और इनकी थोड़ा जो है पर जो स्ट्रेंथ ज्यादा है तो ऐसे में इनके लिए जो है उन हिसाब की जो है गतिविधियां करवानी जैसा उनके लिए उपयोगी होगा, तो उनके बारे में अगले वीडियो में आपको बताएंगे सब कुछ कैसे करना है, उनका भाषा विकास, उनका शारीरिक विकास, उनका बौद्धिक विकास, उनका सामाजिक विकास, उनका रचनात्मक विकास, और फिर इनको कैसे पढ़ाना है, इनके लिए पढ़ाई के क्या तरीके होने चाहिए, क्योंकि बड़े बच्चे हैं तो उनको उस हिसाब से आपको